मम्मी जायका में आपका स्वागत है। ये देखिए आज हमने बनाई है अहमदाबाद की फेमस कढ़ी और भुना खिचड़ी। इसको बनने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। हमारे अहमदाबाद में सप्ताह में एक बार कढ़ी खिचड़ी हर घर में बनाई जाती है। चाहे कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या कोई मेहमान आए हो या कोई भी सीजन हो, कढ़ी खिचड़ी तो बनती ज है। ये देखिए बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको कढ़ी को खिचड़ी में डाल के और खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगेगी। हमारे यहाँ पर इसको इसी तरह के थाल में परोसा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खिचड़ी के लिए मैंने ये चावल लिए, बासमती राइस है। आप चाहे तो कोई भी चावल ले लें। ये मैंने 200 ग्राम यानी एक कप चावल लिए और ये तुअर की दाल लिए, इसको अरहर की दाल भी कहते हैं। आप इसको खिचड़ी बनाने के एक घंटे पहले भिगो दें। मेरे पास टाइम नहीं था इसके लिए मैंने इसे गर्म पानी में भिगो दिया है। ये मैंने 50 ग्राम लिए यानी 1/4 कप। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 3 हरी मिर्च लिए, एक बड़ी साइज की प्याज ली, इसको मैंने काट लिया। और ये कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता है, दालचीनी है, 8-10 काली मिर्च है, 2 लौंग है और 1 टीस्पून जीरा है। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे, उसमें हमारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे। हमारे मसालों को बराबर से तड़कने देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे और इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये मैंने प्याज का विरस्ता बना लिया था, इसे डालेंगे। इसको भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 2 गिलास पानी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हमारी तुअर की दाल डाल देंगे और चावल भी डाल देंगे। इसको बराबर से मिक्स करेंगे। ढक्कन ढक के स्लो फ्लेम पर हमारी खिचड़ी के पकने तक यानी लगभग 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। हमारी खिचड़ी बन रही है। जितने हम कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं, ये मैंने 1/2 कप दही लिया, आप चाहे तो छाछ भी ले सकते हैं। और ये 3 टेबल स्पून बेसन है, ये बारीक वाला बेसन है। दही में हम बेसन को डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालें, हमें इसे अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। इसमें मैंने अभी 1 गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है और 1 चुटकी हींग है, ये डालेंगे। ये मैंने 4 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको पीस लिया, ये डालेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसको साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसको गैस पे रख देंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ये 2 सूखी लाल मिर्च है, ये डालेंगे। और ये हमारा पंचमेल है, इसमें 5 तरह के मसाले हैं। ये 1/4 टीस्पून जीरा है, 1/4 टीस्पून राई है, 1/4 टीस्पून सौंफ है, 1/4 टीस्पून ही धनिया है कूटा हुआ और 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम मेथी दाना है, इसको मेथी की कुइया कहते हैं। ये पंचमेल मसाले हैं, इसको हम कढ़ी में डालते हैं। इसको बराबर से तड़कने देंगे। 8-10 कड़ी पत्ते डालेंगे। ये मैंने 10 कली लहसुन की ली है, इसको बारीक काट लिया, ये डालेंगे। और सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हम हमारे लहसुन को भूनेंगे।
हमने हमारे लहसुन को भून लिया। ये एक प्याज है, इसको मैंने काट लिया, ये डालेंगे। और प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, इसे हमें रेगुलर हिलाते हुए लाइट कलर की कर लेंगे। अब हम हमारी खिचड़ी को देखेंगे। हमारी खिचड़ी लगभग पक चुकी है, उसमें प्याज का बिरस्ता डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। हल्के आंच से मिक्स करना है। हमारी खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हमारा बघार हो चुका है, प्याज भी हमारी ब्राउन हो गई है हल्की सी। ये मैंने इसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाली है, इसमें हमारा बघार निकालेंगे। हम ये कढ़ी का घोल ही डालेंगे। एक गिलास पानी और डालेंगे। टोटली इसमें हमने 2 से 2.5 गिलास पानी डाला है। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसको रेगुलर चलाएंगे ताकि हमारी कढ़ी में गुठलियां ना पड़े। ये देखिए हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पकाना है, इसे ज्यादा नहीं पकाते। ये देखिए हमारी कढ़ी पक चुकी है, हमने इसको 5-6 मिनट ही पकाया। अब हमने जो बघार करा था वो डाल देंगे। हरा धनिया डालेंगे। और इसको मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब हम हमारी कढ़ी और खिचड़ी को सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी अहमदाबाद की मशहूर कढ़ी खिचड़ी, देखते के साथ ही मुंह में पानी आ जाता है। आप इसे ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल का बटन है उसे दबाइए। इससे आप रोज हमारी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। और हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए।